के लिए अलग काउंटर अलग से बनवाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो और साथ ही साथ रोजाना आने वाले जो बीमार लोग हैं उनको परेशानी ना हो। सब लोगों को पेशेंट वाले में लाइन लगा दिया, पेशेंट को लेट हो जाएगा जांच में, हम लोग को भी लेट होगा, हम लोग को भी जरूरत है और उन लोग को बहुत जरूरत है। सरकार को पता है कि 42,000 शिक्षकों की नव नियुक्ति हो रही है तो ऐसे लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अलग काउंटर अलग से बनवाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो रोजाना आने वाले जो बीमार लोग हैं उनको परेशानी ना हो। इससे काम जल्दी संपन्न भी होगा और आसानी पूर्वक संपन्न हो जाएगा। एक ही काउंटर में दोनों ये नहीं, दोनों का अलग काउंटर होना चाहिए। जैसे हम लोग भी इतने सारे कैंडिडेट है तो उसमें भी 2-3 काउंटर बनवाना चाहिए। मेल फीमेल का अलग है मगर इतनी लंबी लाइन है, दोपहर तो लग जाएगा चिट्ठे कटने में, फिर हम लोग का जांच कब होगा, पेपर कब बनेगा। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1,000 रुपए लिया जा रहा है, कौन ले रहे हैं? शिक्षक के लिए सीएस ऑफिस में परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या हो रही है? परेशानी तो लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ से नंबर लगाना है, लंबा प्रोसेस है, लाइन का लंबा प्रोसेस होने के बाद डॉक्टर साहब इतना जांच लिखते हैं, जांच लिखने के बाद फिर 1,000 रुपया दीजिए बनाने के लिए, तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा। बस हम लोगों को पेशेंट वाले में लाइन लगा दिया गया है, यही थोड़ा प्रॉब्लम। तो परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है, पेशेंट को लेट हो जाएगा जांच में, हम लोग को भी लेट होगा, हम लोग को भी जरूरत है और उन लोग को बहुत जरूरत है। साथ गिर गया। तो फिर आप दिखाए क्यों नहीं? अभी तुरंत गिरा लेके ही आ। कहाँ से आ? साथ। क्या हुआ यहाँ? क्या बोला? एक्सरा कराना पड़ेगा यहाँ, चिट्ठा कटाएंगे सर, पॉसिबल तो नहीं है सर। Gracias.